मनोज सर और सरवर सर साथ में खो-खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के जनरल सेक्रेटरी श्री नीरज कुमार पप्पू सर, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद कैंसर पर अधिकारियों से परिचय प्राप्त करके आज के हमारे अतिथि थोड़ी देर में आप सभी के बीच बिहार में खो-खो लीग का प्रथम सेमीफाइनल जो कि रेड रेंजर्स वर्सेस गोल्डन बेल्ट के बीच में होने वाला है। गोल्डन बेल्ट के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हैं हमारे अतिथिगण। एक तरफ जहां रेड रेंजर्स हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर इस टूर्नामेंट में शीर्ष पर अपने आप को पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ गोल्डन गर्ल्स जिनका भी प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। दोनों टीमों की तरफ से टीम कैप्टन ग्राउंड में उपस्थित सिक्के को उछाल दिया गया है, देखना है किसके किस्मत में जाता है। और इसी के साथ गोल्डन गर्ल्स की टीम कैप्टन गरिमा ने टॉस जीता है। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए दोनों ही टीमों को बुलाया जा रहा है। गोल्डन गर्ल्स के खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी करते हुए यह प्रथम सेमीफाइनल मैच जो गोल्डन गर्ल्स के खिलाड़ियों और रेड रेंजर्स के खिलाड़ियों के बीच खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लेगी। पिछले 4 दिनों से लगातार यह प्रतियोगिता सेंट मैरी स्कूल के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हरे भरे ग्राउंड में कराया जा रहा है। आज प्रतियोगिता का यह 5वां दिन जिसका प्रथम सेमीफाइनल गोल्डन गर्ल्स और रेड रेंजर्स के बीच में खेला जा रहा है। रेड रेंजर्स की टीम ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आगे बढ़ती हुई बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा इन दोनों टीमों के बीच, क्योंकि दोनों टीमों की का जो हौसला है वो काफी बुलंद है और दोनों टीम एक दूसरे से बढ़कर है, कोई किसी से कम नहीं है। ऐसे में देखने में बहुत ही रोमांचक होने वाला यह मुकाबला। और खो-खो की तरह खो-खो नियमों के तरफ सेमीफाइनल मुकाबले से पावर प्ले का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें एक साथ ग्राउंड में दोनों वजीर खेलते हुए नजर आएंगे। अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
न्याज के पास है। वहाँ जो दोनों ही टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने के लिए धीरे धीरे खेल के मैदान में दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई ग्रीन जैक के खिलाड़ी और वहीं पिंक पॉइंट के खिलाड़ी जरूर अपना निगाह इस प्रतियोगिता पे बनाए रहेंगे, क्योंकि इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में मुकाबला करेगी। तो जो दूसरा सेमीफाइनल है उसके दोनों टीम उस पर इन दोनों टीमों पे नज़र बनाई रहेगी, एक रणनीति तैयार करेगी कैसे विजय प्राप्त किया जाए इन टीमों के मैच में। निश्चित सफलता हाथ लगी रेड रेंजर्स के खिलाड़ी को। और काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है भैया हमारी
जो गोल्ड इंडस्ट के खिलाड़ी हैं, काफी अनुभव काफी खूबसूरती के साथ वो अपने समाप्ति काफी परेशानी उठानी पड़ रही है उनको, काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है उनको खेलने के लिए। देखना यह होगा कि क्या रेड रेंजर के खिलाड़ी ऐसा करने में सफल हो पाते हैं या नहीं। और इसी के साथ गोल्डन रन की टीम को ड्रीम रन प्राप्त होते हुए जिसके लिए उन्हें दो अतिरिक्त पॉइंट मिलते हैं। सफलता हाथ लग सकती थी जोरदार अपील, लेकिन रफ्तू की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। काफी पानी नजर रखते हैं रेफरी एक तरफ दक्षिणी छोर पे मनीष, जो कि काफी बहुत अच्छा काफी से करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जन प्रताप जी कुमारी को बाहर का रास्ता दिखाया गोल्ड रेड रेंजर्स के खिलाड़ियों ने। गोल्डन गर्ल्स की अगली बैच जर्सी नंबर 9, जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 4 जर्सी नंबर 10 के खिलाड़ी काफी बेहतरीन तरीके से खेलती हैं। देखना दिलचस्प होगा इस समय गोल्डन गर्ल्स की अगली बैच को क्या कुछ कर पाती है अपनी टीम के लिए। ज्यादा कुछ नहीं कर पाई 10 नंबर की खिलाड़ी, उम्मीद तो बहुत थी कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी, लेकिन खेल अनिश्चितताओं का खेल होता है जो कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता। और थोड़ा ना कमी करेगी रेड रेंजर्स की टीम का काफी बेहतरीन रणनीति अपनाते हुए पहले एक मजबूत खिलाड़ी को बाहर भेज दिया। इसके पहले उन्होंने और काफी बेहतरीन ग्राउंड आउट हुआ है और मैं दो खिलाड़ियों को बताना चाहूंगा कि ग्राउंड आउट का जो पहले 2 पॉइंट मिलता था इस लीग मैच में 3 पॉइंट मिलता है। ग्राउंड तीन पॉइंट मिलता है समिति से अनुरोध है कि कृपया यात्रियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए गांव के आसपास पानी की व्यवस्था बना दें।
जोरदार आउट के तीन इंटरनल आहत नहीं लगे रेड रेंजर्स को खिलाड़ियों को। रेड रेंजर्स जो इस प्रतियोगिता में अपना उत्कृष्ट स्थान पर बनाए हुए हैं, नंबर वन की खिलाड़ी बन नंबर वन की टीम बन गई होगी रेड रेंजर्स की। देखना होगा क्या वह अपने टाइटल को इस टूर्नामेंट में बचा पाते हैं या दबाव बनाए हुए गोल्डन गर्ल्स के खिलाड़ियों पे काफी परेशान करके रखे हैं गोल्डन गर्ल्स के खिलाड़ियों को। आज की पूल डाइन का इसके लिए तीन पॉइंट मिलेगी रेड रेंजर्स के टीम को। अगला बैच गोल्डन गर्ल्स की तरफ से जर्सी नंबर 2, जर्सी नंबर 12 और जर्सी नंबर सब लोग जरा हाइक करते हैं उधर खेल रहा है लाइक चल रहा है उधर जरा उठ के हाइक Thank you.
खेल डबा पे लाइव है, लाइव है। ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
जस्ट नंबर 5 की खिलाड़ी सुकन्या जो काफी बेहतरीन आप देख सकते हैं कि जो सुंदर खिलाड़ी है कितना बेहतरीन शांत के साथ अपनी टीम के लिए लगातार बेहतर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को बाहर करने के लिए गोल्ड मेडल का 3 मिनट की चुनौती सफलता हाथ लगे गोल्ड मेडल की तैयारी को ग्रीन रन पूरा करने का रेड मेडल की तैयारी पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त 2 रन मिले हैं। अभी आप का इशारा काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जैसे नंबर 11 में रेड रेंजर के खिलाड़ी काफी तेज से ग्राउंड से बने हुए हैं लगातार गोल्ड मेडल के खिलाड़ियों को परेशान करके रखा जैसे नंबर 11 के खिलाड़ी काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और दुर्गा कुमारी का शानदार अटैक डाइव लेने की कोशिश लेकिन सफलता हाथ में आई। देखना यह होगा कि क्या पूरे 7 मिनट 11 मिनट की खिलाड़ी खिला पाती है और बैट संभाव कैसा रहा आज का यह प्रथम सेमीफाइनल निकालना और सफलता हाथ लगे साथ में जैसे मेरे साथ के खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल के लिए खेल रहे हैं 11 नंबर खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन सराहना करनी होगी 11 नंबर खिलाड़ी की जो लगातार काफी समय से एक लंबे समय से ग्राउंड में बनी हुई है। काफी मुश्किल होता है जब एक मजबूत प्रतिद्वंदी खिलाड़ी आपके सामने हो और वैसी स्थिति में लगातार आपको लंबे समय तक बने रहना ग्राउंड में काफी मुश्किल का काम है। जो सब नहीं हुआ ना पता नहीं
आवाज़ बची जैसे नफीन की खिलाड़ी जो रेड जोन में खेल रही हैं पोलडाइ की कोशिश लेकिन कहांगा भी अपना ही बैठा है तीन नंबर की खिलाड़ी पे सब कुछ मिला के भैया चार चार जगह दिखा रहा है भैया टेंशन ना को वीडियो नहीं बना अब हेलो सर वीडियो बना कर रहा है ए सर आज लगाना थी शिवाजी जी आज न सारा खेल रहा था फोर्थ मैच ही आएगा फोर्थ मैच लिख दीजिए पहले दो दो छः बारह लिख दीजिए लेकिन पाँच मिनट खत्म हो जाएगा अभी आप
पानी का बोतल तो सब उड़ा दिया है। Within a short time, first batch has gone. Defenders, second batch, they have come, taken position. Or power play active here. So come back. Look at the ground me. 2 minutes ke liye 2 baje. Ground me aur aur ke liye. Koi khatam nahi. Main tak se thi lekin foul hua. Aur bhai sab log nahi. खिलाड़ी हमारी क्या विस्तार कर रही है टीम के लिए दो मिनट समय समाप्त हो गया। दो मिनट बचा पांच के समाप्त केवल एक ही बची
ग्राउंड में देख सकते हैं ग्रीन टी शर्ट में वो जी जिसको अच्छा एक्टिविटी होती है जिसको एक्स्ट्रा पावर है कि वह कभी भी अपना दिशा बदल कर आगे बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहा है और देखते हैं क्या अपने जीव को आगे बढ़ा पाती है। बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा लेकिन 3 मिनट का समय पूरा करते हुए ग्रीन रन पूरा कर लिया है गोल्डन गर्ल की टीम ने। टू एंड हाफ मिनट सेकेंड बैच है गोन आउट। Now the third bell has come. ग्राउंड पर मौजूद हैं जैसे नंबर 10 और जैसे नंबर 9 के खिलाड़ी। पिछले इनिंग में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जैसे नंबर 10 के खिलाड़ी। देखना होगा कि इस इनिंग में क्या कुछ कर पाती है अपनी टीम के लिए जैसे नंबर 10 के खिलाड़ी। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच। आज का यह प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला है रेड रेंजर्स वर्सेस गोल्डन गर्ल्स के बीच। एक तरफ रेड रेंजर्स एक मजबूत टीम बनकर उभरी है पूरी प्रतियोगिता के दौरान टीम ने अपने आप को शीर्ष पर पहुंचाया। दूसरी तरफ गोल्डन गर्ल्स भी काफी बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए short time
धीरे धीरे मौसम गर्म होता हुआ ऐसा ही सुमत गरम मौसम चल था तो शाम के समय में बारिश की बूंदें कुछ पड़ी थी जिसकी वजह से एक मैच को ड्रॉ करना पड़ा था। Defenders, they have come now and they will take their position in the court. Game has started. Defenders, they are defending themselves so cunningly. एक प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए रेंजर के खिलाड़ी Jersey number 3, the player of Golden Bells, who is playing really very well for the Golden Bells. The Golden Bells team is also doing very well. There is a call made by great Rangers players. All the officials are very smart and very watching very carefully. There is the attack of Ajit on the Jersey number 11, Srishti Kumari of Golden Bells, and he has to go out from the court because the Red Rangers have made him out from this innings. जिस टीम के टीम कोच मैनेजर ने सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिया है कृपया वो सर्टिफिकेट लेकर उस पर अपनी टीम का फोटो चिपका दें। टीम कोच और मैनेजर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कीजिए। टीम कोच और मैनेजर्स ने अभी तक सर्टिफिकेट लेकर उस पर फोटो नहीं चिपकाया है कृपया ऑफिशियल टेबल से सर्टिफिकेट कलेक्ट कर उस पर फोटो चिपकवा दें। सभी खिलाड़ियों से अनुरोध किया जाता है कि आप लोग भरपूर पानी पीजिए। टुडेज ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो वेरी। आयोजन समिति से अनुरोध है कि कृपया
ऑक्सीजन टेबल के पास ठंडे जल की व्यवस्था करें। Kind request to organizing committee to make sure the arrangement of cold water near official tower. बार बार सभी खिलाड़ियों से अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग भरपूर पानी पीजिए। The score is 48 of Red Rangers and the score of Golden Girls team is 13. There is a huge margin, there is a huge gap between the score. And there is a chance to Golden Girls because they have opportunity of 7 minutes. You can change the game in 7 minutes. The score है वार्ता लिखा रेड रेंजर्स टीम का
जबकि गोल्डन गर्ल्स का स्कोर 13 है। इसी के साथ रेड रेंजर्स वर्सेस गोल्डन गर्ल्स के बीच आखिरी 7 मिनट का मुकाबला। उतरी है चलो जो रेड रेंजर्स के लिए 12 नंबर कैसी है खेल रही है काफी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी मामले सलोनी कुमारी जो रेड रेंजर्स के लिए काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। अगर गोल्डन गर्ल्स के खिलाड़ियों के प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच बनानी है तो इनको ज्यादा से ज्यादा रेड रेंजर्स के खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। सेमीफाइनल का यह पहला मुकाबला जो रेड रेंजर्स और गोल्डन गर्ल्स के बीच खेला जा रहा है।
कुछ देर का समय बचा हुआ है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी गोल्डन रेंजर्स की टीम को, रेड रेंजर्स की टीम को फाइनल में पहुंचने से रोकने के लिए। रेड रेंजर्स की टीम काफी मजबूती के साथ, काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए 500 नंबर की जर्सी में कन्या कुमारी जो रेड रेंजर्स की एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरी है और इस पूरे प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है। फाइनल का यह मुकाबला, इस चैंपियनशिप का यह पहला सेमीफाइनल जो गोल्डन बॉल के बीच खेला जा रहा है। लगातार काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं डिफेंडर सुकन्या कुमारी, जो काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। तीनों की टिकली को तोड़ना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है गोल्डन बॉल के खिलाड़ियों को। ड्रीम रन पूरा करते हुए रेड रेंजर्स के खिलाड़ी जो इनका स्कोर 40 था, अब बढ़ रहा है 50 हो गए हैं। इस ड्रीम रन के साथ मैं दर्शकों को बता देता हूँगा कि जो खो-खो का परंपरागत खेल होता है उसमें ड्रीम रन की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जो लीग मैच होता है उसमें जब भी कोई मैच 3 मिनट का समय पूरा करता है तो उसे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं, जिसको ड्रीम रन के नाम से जाना जाता है। और काफी करीबी मामला हो सकता था, लेकिन बाल बाल बची सुकन्या कुमारी जो रेड रेंजर्स की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, रेड रेंजर्स को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका काफी योगदान रहा है। और जाहिर सी बात है कि रेड रेंजर्स के सभी खिलाड़ी काफी सराहना और बधाई देते होंगे 5 नंबर खिलाड़ी सुकन्या कुमारी को। और आपकी परफॉर्मेंस और भी निकल के आती है जब आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे उठकर आप अपनी टीम के लिए जब बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, और जिस तरह समाप्त की गुजर रहा है जो फाइनल में पहुंचने वाली पहली जो टीम है वो रेड रेंजर्स की टीम है।